पर बात करते हैं, काफी फोकस में है, दिन के निचले स्तर से 2% चढ़कर फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आज दरअसल एचयूएल के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है स्नेही। स्नेही बताएं। क्वार्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचयूएल के सेकंड क्वार्टर आंकड़ों से, अगर स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,792 करोड़ रुपीज़ कंपेयर टू 15,276 करोड़, अप 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा देखें तो 3,730 करोड़ पर है, 3,694 करोड़ के कंपेरिजन में सिर्फ 1% की अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो स्लाइटली प्रेशर में होगा ये टाइम, 2,657 करोड़ की उम्मीद है 2,717 करोड़ के कंपेयर में, जो कि 2.2% नीचे है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स में भी जरा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है 23.8% पे कंपेयर टू 24.6% लास्ट ईयर। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 5% की उम्मीद है, हेल्थ फूड ड्रिंक सेगमेंट वीक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है आगे जाके, होम केयर सेगमेंट 5.3% का ग्रोथ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 3% लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, और फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में 4.5% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो उस पर दबाव रहेगा क्योंकि लास्ट बेस क्वार्टर में लास्ट ईयर में एक वन ऑफ टैक्स रिवर्सल इनपुट था, लोअर ऑपरेटिंग इनकम ये टाइम बहुत कम है, एड स्पेंड ज़्यादा है, कमोडिटी इन्फ्लेशन है, और लॉयल्टी फीस जो कि ये अपने पेरेंट को यूनिलीवर को देते हैं उसमें भी अपटिक दिखा है, तो इनके दम पर ग्रॉस एबिटा मार्जिन कम रहेगा, ये टाइम थोड़ा दबाव में रहेगा। मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे, डिमांड आउटलुक रूरल वर्सेस अर्बन, कंपेटिटिव इंटेंसिटी कंपनी की आगे जाते हुए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में क्या ट्रेंड है और कंपनी आगे जाके क्या प्राइसिंग एक्शन लेती है, ये सब बहुत ही मायने में रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स से देखने के लिए। पर जी हाँ, काफी फ्लैट क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचयूएल के क्वार्टर टू के लिए। बिल्कुल, काफ़ी फ्लैट क्वार्टर एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही पूरी डिटेल प्रीव्यू बताने के लिए। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी अभी स्नेही ने पूरी डिटेल प्रीव्यू बताई, एचयूएल के नतीजे आने वाले हैं। अगर स्टॉक को चार्ट पे देखें, सितंबर हाई से कुछ 11-12% गिर चुका है। आज के दिन के निचले स्तर से भी कुछ 2-2.5% चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि अभी फ्लैट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टेक्निकली आपकी राय क्या बन रही है? जी देखिए, ये मंथ में काफी शेयर में पिटाई हुई है, पर अभी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट के पहले थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते आपको एक बाउंस बैक है। अभी तक कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा आपको रिकवरी मिलेगा, पूरा नतीजों पर निर्भर है। तो सपोर्ट जोन के होने के चलते मैं रिकमेंड करूंगा जिनके पास शेयर है उनको 2625 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना है, नई खरीदारी करने की कोई नहीं रखूंगा। अगर रिकवर कर जाए पॉजिटिव रिजल्ट पे तो पॉसिबल अपसाइड एक्सपेक्टेशन 2800 का होगा।